हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टॉक मनी चैनल। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं अगेन पांच ऐसी कंपनीज के बारे में जो लॉन्ग टर्म में आपको बड़ा रिटर्न बनाकर दे सकती है, लेकिन अभी आपको कम प्राइस पर मिल सकती है और प्रेजेंट वैल्यू पर भी आप लोग इन कंपनी को बाय कर सकते हैं या नहीं कर सकते, वो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। डिटेल से एनालिसिस करेंगे, टेक्निकल चार्ट पर देखेंगे किन लेवल्स पर बाइंग करना अच्छा रहेगा। उसके अलावा मैंने इससे पहले भी दो तीन वीडियो अच्छे अपलोड किए हैं जिसमें आप लॉन्ग टर्म के लिए उन कंपनीज को अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं, तो उन वीडियोस को भी आप अच्छे तरीके से देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को, और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज के सेशन की बात करते हैं 8 मई की। तो डाउ जोन्स अगर अभी देखते हैं तो 1.30% अप है। क्लोजिंग कहाँ होती है वो देखने वाली बात होगी, इसका इफेक्ट भी मंडे को आपको मार्केट में देखने को मिलेगा। लेकिन हम अभी निफ्टी 50 का चार्ट देखेंगे और वहां से डिसाइड करेंगे कि हमें किस तरीके से अभी इन्वेस्ट करना है। तो आप देखो, सबसे पहले मैं बताता हूं देखने में आपको क्या लग रहा है। 9251 का क्लोजिंग है, 52 पॉइंट्स अप है निफ्टी। अब देखते हैं चार्ट पर। तो चार्ट पर अगर आप देखेंगे तो चार्ट पर मैं आपको बताऊं तो चार्ट पर देखिए, मैंने आपको कल भी बताया था, आप कल का वीडियो देख सकते हैं, 9425 इसका एक रेजिस्टेंस बन रहा है। इसको ऊपर जाके अगर क्लोजिंग दे दिया दो कैंडल ने लगातार, तो 97 के आसपास ये निफ्टी जा सकता है। लेकिन अगर वहीं पर ही आप देखेंगे नीचे, इसका जो पहले रेजिस्टेंस बन रहा था वही एक सपोर्ट का काम करेगा, वो अभी भी 9125 का है। यानी कि कुल मिलाकर आप अगर देखते हैं तो 9100 इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। 9100 अगर टूटता है तो निफ्टी आपको 8800 के आसपास में दिख सकता है। तो आप लोगों को क्या करना है, अभी बड़ा इन्वेस्टमेंट बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको मैं यहां से क्लियरली बता देता हूं, MFI देखिए इसका, आप देखें कोई ज्यादा बड़ा यहां पर मूव नहीं है, और निफ्टी भी देखें तो एक रेंज बाउंड में ही है अभी भी। यानी कि जिधर भी ब्रेकआउट आने वाला है बड़ा आने वाला है। तो आप लोगों को क्या करना है, सिस्टमेटिक तरीके से इन्वेस्टमेंट करना है। अभी आपको बड़ा पैसा बिल्कुल भी नहीं लगाना है, आपको मार्केट को अच्छे तरीके से ऑब्जर्व करना है। और ये लेवल मैंने आपको बताया 9100 और ऊपर है तो 9425 का लेवल, ये लेवल ध्यान रखने हैं। ये बन रहा है रेजिस्टेंस और ये बन रहा है सपोर्ट। जिधर भी ब्रेकआउट देगा उधर बड़ा मूव आएगा, और मैक्सिमम पॉसिबिलिटी लग रही है 9100 को तोड़ने का। मंडे को देखने वाली बात होगी मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करता है, लेकिन हमें इन लेवल्स के लिए रेडी रहना है, अपने मनी मैनेजमेंट को स्ट्रॉन्ग करना है। किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने के लिए एटलीस्ट 5 पार्ट का पैसा आपके पास होना चाहिए, तभी जाकर उस स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट करें। अब इसका मतलब ये भी नहीं कि अगर 5000 रुपए हैं तो आप बोलेंगे 5 पार्ट हजार 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 के ही होंगे, तो 3 पार्ट में कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, 2 पार्ट में करके करिए, लेकिन अच्छे क्वालिटी स्टॉक में ही इन्वेस्टमेंट करिएगा। ऐसी ही 5 कंपनी मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले देखते हैं, पहली कंपनी है HDFC असेट मैनेजमेंट कंपनी, और इसका आप ये वाला देखिएगा, यहां पर अगर देखें 200 EMA है इसका, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, वहीं पर जाकर एक डोजी टाइप की कैंडल बनी है। ज्यादा अगर इसको बोले तो एग्जैक्ट डोजी नहीं है, लेकिन डोजी टाइप है, यानी कि कंफ्यूजन है मार्केट में कहीं ना कहीं कि नीचे जाए या ऊपर जाए। तो 200 SMA में इसका बहुत क्रूशियल रहने वाला है, जो 2672.39 का है। यानी कि आप लेवल मानकर चल सकते हैं 2673 का, उसके ऊपर जब तक क्लोजिंग ना दे ये कैंडल, HDFC AMC का स्टॉक बड़ा मूव आपको देखने को ज्यादा नहीं मिल सकता। और उसके अलावा देखें, अगर ये स्टॉक 2555 का लेवल अगर तोड़ता है, जो कि 30 दिन का देखें एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, ये लेवल तोड़ता है तो आपको HDFC AMC में करेक्शन देखने को मिल सकता है। तो ये 2 लेवल नोट डाउन करके रख लीजिएगा, क्योंकि MFI भी देखें तो अपने ओवरसोल्ड जोन के आसपास ये स्टॉक आने वाला है लगभग, तो इसमें आपको एक बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। तो आप लोगों को क्या करना है, इसके ऊपर मैं फिबोनाची ड्रॉ करता हूं।
फिबोनाची अगर ड्रॉ करते हैं इस पे तो 2307 का लेवल बहुत अच्छा आ रहा है जिस पर आप बाइंग पोजीशन बना सकते हैं, लेकिन उससे पहले एक लेवल आ रहा है 2550 का। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, अगर SIP करना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं, तो अभी से स्टार्ट कर सकते हैं। अदरवाइज ये जो लेवल है ना, इसमें अगर HDFC AMC को बाय करते हैं तो आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा रहने वाला है। नेक्स्ट स्टॉक की बात करें तो नेक्स्ट स्टॉक है SBI कार्ड का। ज्यादा कैंडल अवेलेबल नहीं है, डेली चार्ट पर एनालिसिस कर रहे हैं और उसके अकॉर्डिंग देखें तो अपने सभी मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा है, यानी कि बियरिश ट्रेंड में है SBI कार्ड। और SBI कार्ड का अगर मैं अभी इनिशियली अगर देखें अभी प्रेजेंट लेवल से, तो एक जो सस्टेन कर रहा है, एक तो 550 रुपए के आसपास में सस्टेन कर रहा है, और 550 से अगर ये स्टॉक नीचे गिरता है तो ये स्टॉक कहीं आपको 520 रुपए के आसपास मिल सकता है। और फिबोनाची के अकॉर्डिंग देखें तो 500 रुपए आपका अच्छा लेवल है इसमें एंट्री करने के लिए। तो आपको SBI कार्ड अगर एंट्री करना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही पावरफुल स्टॉक है, बिजनेस अच्छा है। इसके अगर रिजल्ट्स की बात करें तो ज्यादा अच्छा नहीं आया है, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए एक अपॉर्चुनिटी है। और अगर ये स्टॉक 520 से अगर नीचे जाता है आप बाय करना स्टार्ट कर सकते हैं। इवन उसके बाद क्या करें, आप कम से कम 20 से 30 रुपए के गैप पर आप एवरेजिंग करिएगा SBI कार्ड में, लॉन्ग टर्म में आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा। अभी हो सकता है शॉर्ट टर्म में, क्योंकि ओवरबोर्ड जोन चल रहा है, तो इस स्टॉक में करेक्शन तो जरूर होगा। और अपने सभी मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा है, एक कैंडल रेड और बनी और इसमें फिर बड़ा करेक्शन आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट कंपनी है ब्रिटेनिया इंडस्ट्रीज की, बहुत अच्छी कंपनी है। इसको मैंने लगभग 2500-2600 रुपए के आसपास चल रहा था जब मैंने आपको बताया था, जिसने भी इन्वेस्टमेंट किया होगा अच्छा रिटर्न मिल रहा होगा और अभी भी पॉजिटिव रिटर्न में होगा। और इस स्टॉक का भी अगर देखें तो सेम है, आप देखें ये वाला लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है 2910 का, और 2910 यानी कि हम मानकर चल सकते हैं 2900। इसके नीचे अगर कैंडल क्लोज होती है और दो कैंडल लगातार रेड में बन गई तो आपको इस स्टॉक में भी करेक्शन देखने को मिल सकता है। और अगर इसको ऊपर जाना है तो कम से कम 3050 के ऊपर तो जाना ही पड़ेगा, तब जाकर ये आपको बड़ा मूव दे पाएगा, और उसके बाद भी रेजिस्टेंस बन जाएगा इस स्टॉक का। तो आप इन दो लेवल पर ज्यादा कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा। अगर 2900 से नीचे जाता है ये स्टॉक, आप हर 50 से 100 पॉइंट की डिप पर बाय कर सकते हैं। आपका अगर पहला अगर बाय करना ही चाहते हैं तो इस लेवल पर भी बाय कर सकते हैं, 2858 पर, उसके बाद 2714 पर और 2570 मिल जाए तो बहुत ही शानदार है। और बेस्टेस्ट है अगर 2400 की रेंज में मिल जाता है तो इसके लिए बड़ा करेक्ट होना पड़ेगा इस स्टॉक को, तो बैड न्यूज आएगी। या फिर कोई FMCG से रिलेटेड अगर बैड न्यूज आती है तो इस स्टॉक में करेक्शन हो सकता है। अदरवाइज इनिशियली अभी लग रहा है अगर रेड कैंडल बनती है, यहां से रेड कैंडल अगर बनती है तो आप लोगों को ये लेवल तो जरूर दिख सकता है 2850 का, तो वहां से आप एंट्री करना स्टार्ट कर सकते हैं ब्रिटेनिया इंडस्ट्रीज में। नेक्स्ट स्टॉक है बजाज फिनसर्व का, और बजाज फिनसर्व की बात करते हैं तो बहुत जने बोल रहे थे किस लेवल पर बाय किया जाए। तो बजाज फिनसर्व अभी भी देखें तो अपने ओवरबोर्ड जोन के आसपास ही चल रहा है, तो इस स्टॉक का मैंने एक लेवल निकाला है। अगर ये स्टॉक हमें 4300 यानी कि 4315 के आसपास मिलता है तो बहुत ही अच्छा है एंट्री करने के लिए। इवन आप 4500 रुपए से भी एंट्री कर सकते हैं, और उसके बाद कम से कम 100 से 150 रुपए का आपको डिप चाहिए जब जाकर आप बाय करेंगे तो आपकी एवरेजिंग अच्छी होगी। अच्छा है स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए, आप बाय कर सकते हैं, लेकिन अभी सिर्फ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर वाले ही बाय करें, क्योंकि बियरिश ट्रेंड में है स्टॉक, अपने सारे मूविंग एवरेज के नीचे है। और मुझे हमारे एक सब्सक्राइबर ने क्वेश्चन पूछा था, आपने EMA क्यों यूज किया, तो EMA मैंने इसलिए यूज किया क्योंकि शॉर्ट टर्म के मूवमेंट को जल्दी पिक करता है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, दैट्स व्हाई मैंने ये यूज किया है। और लास्ट स्टॉक है कोटक महिंद्रा बैंक का। कोटक महिंद्रा बैंक देखें अच्छा बैंक है, और अगर इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं तो पोजीशन बना सकते हैं। और सबसे बढ़िया लेवल रहेगा अगर कोटक महिंद्रा बैंक में तो 1150 के आसपास मिलता है, यानी कि ये वाला लेवल अगर मिलता है आपको तो बहुत ही शानदार है।
1150 से 1000 रुपये का लेवल आपके लिए बेस्ट लेवल रहने वाला है, तो आपको थोड़ा सा वेट करना है क्योंकि अभी भी देखेंगे 10 EMA से नीचे है, सेलिंग प्रेशर है इस कैंडल में, ओवरबोर्ड जोन में है, तो इस स्टॉक में और भी करेक्शन देखने को मिल सकता है और 1150 के आसपास आए तो बिल्कुल भी मत छोड़िएगा। ये मेरा पर्सनल व्यू है, आपको अपना डिसीजन खुद लेना है, खुद से भी रिसर्च कीजिएगा, उसके बाद ही इन स्टॉक में अगर बाइंग करना चाहते हैं तो फिर करिएगा। अकॉर्डिंग टू मी ये स्टॉक्स अगर देखें लॉन्ग टर्म के लिए तो बहुत ही अच्छे स्टॉक हैं। तो आई होप आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।